हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी यानी कि बीएसटी का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो तीन मॉडल पेपर का सेट जारी किया गया है, उस तीन मॉडल पेपर का सेट का हम लोग तीनों मॉडल पेपर का सेट का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को तीनों मॉडल पेपर का सेट को एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे कि अकाउंटेंसी के बारे में बताया था, जिससे आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग जो है वो खुद से भी सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाइए। देखो, इसके अलावा जो है बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और जहां तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं वहां तक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी बाकी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा और जिसका मॉडल पेपर का वीडियो चाहिए होगा वो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पैटर्न सेट हुआ है बिजनेस स्टडी का और अकाउंटेंसी का भी क्वेश्चन पैटर्न काफी अच्छा से सेट हुआ था और ये जो बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन पैटर्न जो सेट हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके तीनों मॉडल पेपर के सेट को करते हैं। ये देखो हम लोग का ये पहला मॉडल पेपर का सेट है, देख सकते हैं यहाँ पे सेट वन है। आओ एक एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर वन पे बोला है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी समाज प्रबंध का सामाजिक दायित्व है समाज के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, सभी के प्रति। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड एम्प्लॉय, टुवर्ड गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दिस, तो टुवर्ड ऑल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि एक मैनेजमेंट जो है इन सभी के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर टू, प्रबंध होता है मैनेजमेंट इज, याद रखना मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक बॉस होता है, मैनेजमेंट क्या होता है एक बॉस होता है। ठीक है, चलो दो हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द बिजनेस आर मेड बाय, तो इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा यानी कि प्रबंध के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे बोला प्रबंध के प्राथमिक कार्य हैं, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि मैनेजमेंट का पांच इंपॉर्टेंट कार्य होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है, यानी POSDC। ठीक है, नियोजन नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन और नियंत्रण, यानी पांच कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये पढ़ाए हैं क्वेश्चन की एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है वो उच्च स्तर प्रबंध के द्वारा यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, बोला गया है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बर्न, मैंने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नामक चैप्टर पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो हेनरी फ्योल थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था जन्म, और अमेरिका में किनका जन्म हुआ था, अमेरिका में हुआ था जन्म F.W. Taylor का। ठीक है, हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, हेनरी फ्योल को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर भी जो है हेनरी फ्योल को कहा जाता है। जन्म कब हुआ था, तो हेनरी फ्योल का जन्म जो हुआ था शायद इनका जन्म हमको जहाँ तक याद है 1841 को शायद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम देख करके इसको बता देंगे अभी। ठीक है, F.W. Taylor को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता F.W. Taylor को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, बोला गया है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैंने अभी बताया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है F.W. Taylor, F.W. Taylor का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, सेवन का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट पे बोल रहा है प्रबंध में उदारीकरण क्या रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। देखो ग्लोबल, ये जब हुआ था 1991 को, जब न्यू इंडिया का न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बना था, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नवीन आर्थिक नीति जब बना था, उस समय तीन चीजों के ऊपर बात हुआ था, एक हुआ था आपका वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, दूसरा हुआ था निजीकरण यानी कि प्राइवेटलाइजेशन, और तीसरा हुआ था उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्या क्या, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटलाइजेशन हुआ था और लिबरलाइजेशन हुआ था, और ये तीनों ही इंडिया में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ था, इसके बाद ही इंडिया का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है या इंडिया का जो मार्केट है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन पे बोला है नियोजन सोच विचार करने की प्रक्रिया है, प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट, तो प्लानिंग से हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो प्लानिंग जो होता है वो थिंकिंग अबाउट फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो नाइन का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे, बोला गया है नियोजन है, प्लानिंग इज, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लानिंग का होना नेसेसरी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मान लो रहता प्लानिंग इज कंपलसरी, क्या रहता कंपलसरी रहता, तो आप नो डाउट प्लानिंग को कंपलसरी पे टिक करते। ठीक है, चार नंबर, 11 नंबर पे बोला संगठन प्रक्रिया के कदम है, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर, तो याद रखना आप लोग कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आठ प्रोसेस होता है, क्या होता है आठ। ठीक है, लेकिन कुंटाजेन ऑर्डर
कुंटेनोल के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का कितना स्टेप होता है, 7 स्टेप, किसके रिगार्डिंग, कुंटेज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कार्यों के आधार पर किस संगठन संरचना का निर्माण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट। तो देखो बोला गया है वर्क के बेस पे, किसके बेस पे, वर्क के बेस पे, तो जो भी वर्क होता है वो हमेशा क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो डिविजिबल देखो बी नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, अधिग्रहण का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो याद रखना जो सीक्रेट वर्क होता है उसको आप दूसरों को दे नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सीक्रेट वर्क, या आप दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते। 14 नंबर पे बोल रहा है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, प्रमोशन करने से डेवलपमेंट होता है, ट्रांसफर करने से डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग करने से डेवलपमेंट होता है, पदोन्नति, हस्तांतरण और प्रतिशिक्षण सबके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, संगठन के जीवन में भर्ती होता है रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना और एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो भर्ती होता है वो कंटिन्यूसली यानी निरंतर चलता रहता है, जैसे जैसे जो जॉब खाली होगा वैसे वैसे रिक्रूटमेंट होते जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये निरंतर चलते रहता है, ठीक है। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16 पे बोल रहा है, चयन में कितना समय लगता है, हाउ मेनी टाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में बहुत अधिक समय लगता है, मोर टाइम, बहुत अधिक इसमें समय लगता है, क्योंकि प्लान जो सिलेक्शन होता है उसमें कई सारा चीज होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, उसमें सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में भी कई सारा प्रोसेस होता है, तो काफी लंबा उसमें समय लगता है, ठीक है। 17 नंबर पे बोल रहा है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, एम्प्लॉय लोगों का ट्रेनिंग करना एकदम नेसेसरी होता है, ठीक है, जरूरी है एकदम। 17 हो गया, 17 के बाद 18 नंबर, निर्देशन है, डायरेक्शन इज, तो याद रखना कि डायरेक्शन करना जो है, डायरेक्टिंग करना जो है, वो एक कंपलसरी कार्य है, क्या है, कंपलसरी। अच्छा बच्चा लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि मैनेजमेंट का जो तीन काम होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये पाँचों ही किस तरीके का काम है, ये पाँचों ही जो आपका है वो आपका कंपलसरी काम होता है। इसके अलावे अगर पूछे कि कोऑर्डिनेशन करना क्या होता है, ठीक है, इसके बाद मान लो बोला लीडरशिप क्या होता है, इसके बाद बोला मान लो कि आपका सेलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, या तो फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इन सबको आप जो है वो नेसेसरी बोल सकते हो, POSDC इसको जो है वो कंपलसरी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 19 नंबर पे बोल रहा है, पर्यवेक्षक कड़ी है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, तो याद है मैंने आप लोगों को लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो सुपरवाइजर जो होता है वो सबसे नीचे होता है, क्योंकि नीचे जितना भी इधर जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है उस एम्प्लॉय और यहाँ जो आपका सेकेंड लेवल मैनेजमेंट है उसको आपस में जोड़ता है, तो सुपरवाइजर जो होता है वो मीडिएटर होता है, किसके किसके बीच का, एम्प्लॉयर और सेकेंड लेवल के बीच का, एम्प्लॉयर और सेकेंड यानी वर्कर और एम्प्लॉयर और सेकेंड मैनेजमेंट के बीच का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्कर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है, आया समझ में। 20 नंबर में बोल रहा है, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, सुपरवाइजर इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो अभी बताएं सुपरवाइजर थर्ड लेवल पे आता है, थर्ड यानी कि लोअर लेवल पे आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपरवाइजर जो होता है वो लोअर लेवल पे आता है, ठीक है। चलो 20 हो गया, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, वित्तीय प्रेरणाओं का मापा जाता है, मॉनेटरी इंसेंटिव इज मेजर्ड बाय, तो देखना मॉनेटरी इंसेंटिव जो होता है वो मेजर किया जाता है मनी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए। 22 नंबर पे बोल रहा है, द लीडरशिप इज, तो अभी हम बताए थे लीडरशिप क्या होगा, नेसेसरी होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैनेजमेंट का पांच कार्य कंपलसरी होगा, बाकी चीज को आप नेसेसरी बोल सकते हो, तो लीडरशिप जो है वो नेसेसरी होता है, ठीक है। 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 में बोल रहा है, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था, इन न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इन्फोर्सेड, इंडिया में जो है वो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप हमको इसको गूगल से सर्च करके इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना, ताकि हम भी देखें कि कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हो और कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो, इसको ध्यान, इसको जब आप सर्च करोगे इस नाम से तो सर्च करते ही आपको नेट में मिल जाएगा, तो 23 का आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट करके आप लोग हमको खुद बताओगे, ठीक है। चलो 23 के बाद आते हैं 24 नंबर पे, यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज कम्युनिकेशन, अगर आप मान लो किसी से कम्युनिकेट किए हैं, अगर चाहते हैं कि उसका एक प्रूफ रहे, तो आपको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी आपको एक औपचारिक संदेश वाहन करना चाहिए ताकि उसका प्रूफ रहे। 25 नंबर क्वेश्चन, समतल संदेश वाहन का सुझाव का प्रवाह होता है इन होरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन, होरिजेंटल
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो फ्लो होता है वो आपका हमेशा समतल होता है, यानी पैरेलल होता है ठीक है। तो 25 का आंसर होगा सी, ठीक है। अगर वीडियो में अगर कोई ऐसा आंसर आपको अगर लगे कि मैं गलत बता रहा हूं, तो उसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। 26 नंबर पे बोल रहा है, नियंत्रण को कर्मचारी करते हैं, बाय एम्प्लॉय कंट्रोल इज, अगर किसी भी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाए तो वो उसका विरोध करेगा ही। आप अगर मान लो कि आप ही को अगर कोई भी आपका दोस्त, आपका फ्रेंड या घर वाले बहुत ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे हर चीज के लिए, ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, तो आप भी धीरे धीरे जो है उसका विरोध करोगे ही, यानी अपोज करोगे ही। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, नियंत्रण करने से कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। ये तो नॉर्मल हम लोगों का साइकोलॉजी है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय, तो याद रखना एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, यानी टॉप लेवल मैनेजर जो होता है सब चीज को कंट्रोल करता है। 27 के बाद 28 नंबर वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्ट भी होता है ये और साइंस भी होता है। 29 नंबर पे बोला गया है, पूंजीकालीन दीर्घकालीन पूंजी के कैपिटलाइजेशन रेफर टू डॉट 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 ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये रिलेटेड होता है टोटल कैपिटल से और रेशियो कैपिटल से, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है, पूंजी ढांचा दीर्घकालीन पूंजी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बोथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पे बोल रहा है, डॉट 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 अस्थाई पूंजी का साधन नहीं है, डॉट 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 इज नॉट ए सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो देखो इश्यू ऑफ शेयर फिक्स्ड कैपिटल होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर से भी फिक्स्ड कैपिटल मिलेगा, लोन फ्रॉम आईबीआरडी यानी नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इससे भी जो है आपका फिक्स्ड या फिर लॉन्ग कैपिटल आएगा, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है इससे नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक करेंट लाइबिलिटी का सोर्स है। तो बोल रहा है कि कौन लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं होता, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट डील्स विद, तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कि मनी मार्केट जो होता है वो डील करता है आपका शॉर्ट टर्म फंड पे, किस पे, शॉर्ट टर्म फंड पे। अच्छा मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म फंड पे कौन डील करता है, तो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म पे डील करता है आपका कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में भी दो मार्केट आता है, एक आता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक आता है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, याद रखना इसको। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, तो याद रखना सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और सेबी का जो ब्रांचेस है वो कहाँ है, दिल्ली चेन्नई और कोलकाता। अच्छा ये भी बोला जा सकता है कि सेबी जो है वो सेटअप कब हुआ, तो सेबी सेटअप हुआ था 1988 को, याद रखना सेबी सेटअप हुआ था 1988 को, और जबकि सेबी अपना काम स्टार्ट किया था 1992 से, सेबी जो है वो स्टार्ट हो गया था, या लीगली तरीके से जो सेबी है वो स्टार्ट हो गया था आपका 1992 से, याद रखना ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, बोला गया है विपणन में उत्पादक का डॉट 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 शामिल है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डॉट 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 एक्टिविटी ऑफ रिगार्डिंग गुड्स, तो याद रखना मार्केटिंग में सेल भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, सेल प्रमोशन आता है यानी विक्रय, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन सब आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सब ही मार्केटिंग का एलिमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला, जिला मंद नहीं ये मंच होना चाहिए था, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट। हम आपको बताते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई भी शोषण होता है, कोई भी उसके साथ अगर डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो तीन फोरम बनाया गया है कोर्ट के द्वारा, वो तीन फोरम है आपको ध्यान से समझना। सबसे नीचे में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि जिला आयोग, बीच में आता है आपको स्टेट फोरम यानी कि राज्य आयोग, और सबसे ऊपर में आता है नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग। अब ये जो है ये कितना कितना तक के विवादों यानी कितना कितना केस को सोल्व कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो 1 करोड़ तक कर सकता है, कितना तक कर सकता है, 1 करोड़ तक, और स्टेट फोरम जो है वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक कर सकता है, ठीक है, और जो नेशनल फोरम है वो 10 करोड़ से अधिक का करेगा, 10 करोड़ से अधिक का करेगा, आई मेरी बात समझ में, इसको याद रखना। तो यहां बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो कितने तक के विवादों का निपटारा कर सकती है, तो आप बताएं डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ तक कर सकती है, क्या ऑप्शन में 1 करोड़ है, नहीं तो सबसे लास्ट 20 लाख है, तो 20 लाख को टिक मारना, लेकिन अगर ऑप्शन में 1 करोड़ दिखा तो 1 करोड़ को जरूर टिक लगाओगे, इस चीज को याद रख लेना, इसके ऊपर जो है काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, द डिस्ट्रीब्यूट विच कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, यानी किस किस तरीके का जो केस है वो केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल है। तो कोई ऐसा सेलर जिसको कोई ऐसा गुड्स बेच रहा है जो गुड्स उसको बेचने से मना था, यानी डिफेक्टिव गुड्स बेचा, तो उस समय वो जो है एक्ट लागू होगा, यानी विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, डिस्ट्रीब्यूटर एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, विवादों निपटारा हेतु एजेंसियां हैं, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, बिल्कुल होता है, स्टेट फोरम होता है, नेशनल फोरम होता है, सब होता है, क्योंकि हम बताए थे अभी ही तीन फोरम उसके लिए बनाया गया है, सबसे नीचे काम करता है डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर आता है स्टेट और सबसे ऊपर आता है नेशनल, ठीक है, तो यही पूछा यहाँ पे, ठीक है। आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, नए जारी किए गए शेयर सौदे करते हैं इन न्यू इश्यूड शेयर डील, जब कभी भी कोई भी न्यू शेयर मार्केट में आता है तो वो न्यू शेयर जो है वो हमेशा आपका डील करता है आपका, एक मिनट, वो हमेशा डील करता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में डील करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड, तो याद रखना दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सब में है, ठीक है। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन सेट वन का, कानूनी रूप से सेबी की स्थापना हुई, स्थापित किया गया था, लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश, अभी बताए थे लीगल तरीके से सेबी 1992 को जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था, और सेटअप कब हुआ था, 1982 को सेबी क्या हुआ था, सेटअप हुआ था, ठीक है। चलो ये हो गया सेट वन, सब्जेक्टिव बाद में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो अब हम लोग आते हैं मॉडल पेपर सेट टू पे, ये देखो देख सकते हैं यहाँ पे, ये मॉडल पेपर जो है ये सेट टू है बीएसटी का, तो चलो आओ पहले इसको करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर वन पे, व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, अभी समझाए थे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द मैनेजमेंट आर मेड बाय मैनेजर, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू, प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि एक मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, यानी ऑप्शन सी, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन एट ए मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, न्यूनतम लागत पर आपको अधिकतम उत्पादन करना है, ठीक है। दो के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, बोला गया है प्रबंधक है मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है साइंस भी होता है दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, बोला हेनरी फ्योल का जन्म सन डॉट 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 में हुआ था, अभी बताए थे हम हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, 1841 को हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया है मूल मानसिक क्रांति मूलभूत है, मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ, मेंटल रिवोल्यूशन तभी आएगा जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य करोगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है वैज्ञानिक प्रबंधक में विश्लेषण एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एनालिसिस होता है वो 75% होता है, जबकि जो स्किल्स होता है जो सूझबूझ होता है वो आपका 25% होता है, तो यहाँ बोला इस एनालिसिस, तो एनालिसिस होता है 75%, तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, नवीन आर्थिक नीति के मुख्य अंग है, मेन पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, हम बताए थे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो इंडिया में कब बना था, इंडिया में जुलाई 1991 को बना था, जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन तीनों में डिस्कस हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाज लॉन्च्ड या डिक्लेयर्ड, हम अभी बताएं जुलाई 1991, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में, नियोजन प्रबंध का कार्य है, वर्क ऑफ प्लानिंग इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना, मैनेज प्लानिंग करना मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, ये गलती से यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कार्य होता है प्लानिंग करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइन नंबर हो गया, नाइन के बाद आते हैं टेन नंबर में, एक अच्छा नियोजन होता है एक गुड प्लान इज, तो एक गुड प्लान ऐसे होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको आप समय के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके या उसमें कुछ चेंजेस ला सके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ओहो क्या हो रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, इन ए एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश बाय, अभी ये क्वेश्चन ऊपर पूछा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट पे जो ऑर्गेनाइजेशन करने का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, संगठन संरचना में कितने प्ररूप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, संख्यात्मक और गुणात्मक, ठीक है, कार्यात्मक जिसको बोल सकते हैं, तो दो तरीके का होता है, ठीक है।
आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 पे, भरअर्पण किया जाता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन किया जाता है अथॉरिटी का, किसका किया जाता है अथॉरिटी का यानी कि अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग पढ़ाए हैं, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बोल रहा है भर्ती के कितने स्रोत होते हैं, हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर आर। तो याद रखना रिक्रूटमेंट का दो सोर्सेस होता है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। एक क्या होता है आपका इंटरनल यानी कि आंतरिक, और एक होता है आपका एक्सटर्नल यानी कि बाह्य। यानी देखो किसी भी कंपनी में लोगों को जो नौकरी पर रखा जाता है, दो तरीके के लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है, एक वो लोगों को जो पहले से ही उसमें काम कर रहे हैं और दूसरा जिनको बाहर से बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो दो तरीके का होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बाह्य स्रोत का क्षेत्र है द एरिया ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है यानी बहुत ज्यादा वाइड होता है। ठीक है, वाइड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, चयन कौन सी प्रक्रिया है, विच प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रशिक्षण की विधियां है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग बिल्कुल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल, अप्रेंटिस ट्रेनिंग बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये तीनों तरीके से लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला जा रहा है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज इन्वॉल्व, लोग एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दो तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ट्रांसफर कर दो तो डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग कर दो डेवलपमेंट होगा, सबसे डेवलपमेंट होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है निर्देशन है द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर, हम पढ़ाए हैं कि डायरेक्शन का चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, कौन कौन होता है डायरेक्शन का एलिमेंट, एक होता है आपका लीडरशिप, एक होता है आपका मोटिवेशन, एक होता है आपका कम्युनिकेशन और एक होता है आपका सुपरविजन। ठीक है, चार इसका होता है, तो आंसर होगा इसका, ठीक है, सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है अभिप्रेरित कर्मचारियों को परिशोषित किया जाता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड रियलिस्टिक, ठीक है, वास्तविक, यानी जिन लोग मोटिवेट होते हैं वो लोग काम अच्छा से करते हैं, उन लोग को मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए रियलिस्टिक में काम जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है अवित्तीय प्रेरणाओं का अवलोकन किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ नॉन मनी इंसेंटिव इज, नॉन मनी इंसेंटिव इज नॉन मोनेटरी, ठीक है, अमौद्रिक है तो अमौद्रिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है नेता अधीनस्थों से काम लेता है, द लीडर टेक वर्क्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। तो एक लीडर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से काम लेता है, अपने चातुर्य से, अपने टैक्टिस से यानी कि अपने स्किल से जो है वो लोगों से काम करवाता है, ना कि उसको डरा धमका के। क्वेश्चन नंबर 24 पे बोल रहा है प्रभाव संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन एफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, किस तरीके का लैंग्वेज, तो अस्पष्ट लैंग्वेज यानी एम्बिगुअस लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। अगर अस्पष्ट लैंग्वेज रहेगा तो इससे बात करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द डॉट 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 एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। जब कभी भी लोगों का कंट्रोल किया जाता है तो कंट्रोल सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, जबकि कंट्रोलिंग जो होता है वो प्रैक्टिकली किया जाना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, ये तो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इज डिवेंचर, डिवेंचर जो है वो सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता वित्त का साधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूंजी ढांचा से तात्पर्य दीर्घकालीन पूंजी से साधनों के साधनों का संबंध है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल एज अदर रेशियो, दूसरे रेशियो से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल रहा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, फॉर द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नेसेसरी, यानी डिविडेंड पेड करना उन लोगों को आवश्यक होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट जरूर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है डॉट 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 अस्थाई पूंजी का साधन नहीं है, डॉट 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 इज नॉट ए सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मॉडल पेपर सेट 1 का रिपीटेड है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्स नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, बोला भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना डॉट डॉट में हुई, द सेबी वाज सेटअप इन, हम अभी बताए थे सेबी सेटअप हुआ था 1980 कब हुआ था जल्दी बताओ, कब हुआ था सेटअप, 1986 को हुआ था। ठीक है, अगर हम कोई डेट भूलेंगे तो हमको भी बता देना, अगर हम कंफ्यूजन फंसेंगे तो हमको भी जरूर बता देना। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोला गया है विपणन पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग करने के लिए जो आप मनी खर्च करते हो आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद बोला 32 नंबर पे विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट इज, एडवर्टाइजमेंट करना भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है विपणन प्रबंध का जन्म स्थान है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम पढ़ाए थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस जो है वो क्या है, अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 34 पे बोल रहा है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस आता है, प्रोडक्ट आता है, प्रमोशन आता है, क्या नहीं आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं आता है। इसको याद रखना, मार्केटिंग मिक्स में 3P आएगा, PPP यानी कि प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 35 नंबर में बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनएसचेस्टेड बाय, कि इंडिया में जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब से लागू हुआ है। तो याद रखना, भारत में जो है इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया था 1986 को, बन गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये इफेक्टेड हो गया था 1987 से। कब से? 15 अप्रैल 1987 से, डेट याद रख लेना इसको। ठीक है, 35 हो गया। 66 नंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ट, हम अभी बताए थे पास्ट कब हुआ था, 1986 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1986 को। अच्छा रुको, एक चीज गलत बता दिए एक चीज ऊपर में गलत बन गया, उसको याद रखना जी, सेबी वाला कब था, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, 19 सेबी वाला थोड़ा सा, ये 1986 है या 1998 है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार गूगल करके देख लेना। तो और ये 30 नंबर का आंसर हमको आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता देना, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 37 पे बोल रहा है हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कई बार बताए हैं कि हेनरी फ्योल ने 14th प्रिंसिपल्स को बताया था। आगे में बोल रहा है 38 नंबर पे स्टाफ पर किया गया पैसा है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हमारी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एवं .. स्थापित किया गया, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय लंडन। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? लंडन के द्वारा। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, पारिश्रमिक प्रबंधक में श्रमिकों को मजदूरी .. थी, वेजेस टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज। तो पुराने तरीके से जब लोगों को वेजेस मिलता था तो वो कम मिलता था, लो, और साइंटिफिक तरीके से हाई मिलता है, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे हाई मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी हो गया मॉडल पेपर सेट 2। अब आते हैं मॉडल पेपर सेट 3 पे। ठीक है, चलो ये है देखो ऊपर, अगर थोड़ा स्क्रॉल इसको अगर अप करेंगे तो देखो यहाँ पे मॉडल पेपर सेट 3 आएगा। ठीक है, आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा तबीयत बिल्कुल अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। चलो आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, देखो आओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टूवर्ड ऑल, सभी के लिए होता है। अभी ये क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर सेट 1 का पहला क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है प्रबंध एक पेशा है या कथन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट। हम समझाए थे कि प्रोफेशन यानी पैसा, पैसा पैसा कौन चिल्लाता है, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट करना ऐसा नेचर है जो किसी में इनबोर्न भी होता है और कोई उसको एक्वायर्ड भी कर सकता है, यानी पैदाइशी भी होता है प्रबंध करने की क्षमता, और कोई उसको सीख भी सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, दोनों होता है। 5 नंबर में बोला है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, अभी बताएं टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है। अगर आप मान लो सेट 1 और सेट 2 अच्छा से करोगे ना, तो सेट 3 का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 6 पे आते हैं, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना एकदम आपके लिए क्या है जी, आपके लिए नेसेसरी है, करना पड़ेगा। 7 नंबर पे बोल रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, अभी बताएं कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन मैनेजमेंट टू वर्कर, सबके लिए, सबको कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 नंबर पे आते हैं प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, कोऑर्डिनेट इज एस्टैब्लिश्ड, इंग्लिश में ये गलत पूछ रहा है, थोड़ा देख लेना ये इंग्लिश में होना चाहिए, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चा लोग बताओ मैनेजमेंट का कितना लेवल होना चाहिए सर, तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होना चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो 3 लेवल यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है मानसिक क्रांति मूल आधार है मेंटल रिवेल्युएशन। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंटल रिवेल्युएशन होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। 10 नंबर पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अच्छा ये भी समझो, साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो आपका काम करने का जो आवर है, कम करने का जो आवर है, वो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो है पारिश्रमिक यानी कि रेमुरेशन कितना मिलेगा, तो रेमुरेशन अधिक मिलेगा, रेमुरेशन मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी बताए थे एनालिसिस 75% होता है। बी पे 15-12 पे बोल रहा है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वर्निन फ्रांस में जन्म हुआ था। 13 नंबर प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुति करता थे, द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलो या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ही चीज है, उनके फादर हैं सर हेनरी फ्योल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो याद रखना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा प्रिंसिपल्स है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, यानी ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सब जगह अप्लाई होता है, बस क्या नहीं है एब्सोल्यूट यानी ये पूरा नहीं है। 12-15 नंबर क्वेश्चन में प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये संपूर्ण नहीं है, यूनिवर्सल है लेकिन संपूर्ण नहीं है। अगर संपूर्ण होता ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ी आता, नॉर्मल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो ये टेक्निक बताता है आपका व्यवहारिक यानी बिहेवियर उसका बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है नियोजन होता है, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मिडिल टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो हम आप लोगों को इसको सिखाए थे कि जॉर्ज आर टेरी तीन नाम है, जॉर्ज आर और टेरी, तो तीन नाम हुआ, तो तीन में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो टोटल चार वर्ड बन जाएगा। तो चार वर्ड है यानी कि ये चार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये नॉर्मल हम समझाए थे ट्रिक। 19 नंबर पे बोल रहा है नियोजन होता है प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या होता है जी, नेसेसरी है, प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं नियोजन होता है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेटेड, गोल को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, मेंटल प्रोसेस होता है, जी हाँ सब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्य अभिमुखी होता है, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक क्रांति भी होता है, सब होता है। 21 पे बोल रहा है मैनेजमेंट आर्ट है साइंस है या दोनों है, तो मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों है। 22 नंबर क्वेश्चन में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन करना नेसेसरी है, चाहिए करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, प्रबंध एक पेशा यह कथन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी पेशा, पेशा यानी पैसा, पैसा अमेरिका चिल्लाएगा, तो राइट आंसर अमेरिका। 24 नंबर में वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन होता है प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। हम अभी बताए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। 26 नंबर क्वेश्चन नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का, फॉर ऑफ ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्लानिंग इज, सभी मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग बिगिनिंग भी है और प्लानिंग एंड भी है, यानी ओपनिंग एंड बिगिनिंग एंड एंड दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, बोल रहा है नियोजन होता है प्लानिंग इज, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 28 नंबर पे बोल रहा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है या कथन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट। हम समझाए थे कि फ्यूचर को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, तो फ्यूचर से कौन आएगा भाई, फ्यूचर से एलियन आएगा, फ्यूचर से कौन आएगा, एलियन, यानी ये स्टेटमेंट बोला है कोई एलियन, एलियन यानी एलियन, एलियन मतलब एलियन, एलियन से याद रहेगा एलियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू, हम बताए थे बजट जो है वो एक ऐसा, बजट जो है वो एक ऐसा ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि आपके पास पैसा कितना है और आप उनको कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, स्टेटमेंट टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेड इन इन न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब काम होता है एक मैनेजमेंट को, ये सब काम करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। 31 नंबर पे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत थे, तो 14 सिद्धांत थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक अच्छा नियोजन होता है, एक गुड प्लानिंग इज, एक गुड प्लानिंग ऐसे होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको समय के साथ साथ हम लोग चेंज कर सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? वेस्टेज ऑफ टाइम लिमिटेशन है, रिगिडिटी यानी कठोर इसका लिमिटेशन है, ह्यूज कॉस्ट लिमिटेशन है, लेकिन बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है ये इसका लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये इसका क्या है, फीचर्स है। तो बोल रहा है कौन लिमिटेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये नियंत्रण का आधार जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो 34 पे बोला नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको पता है कि सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, यानी प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। अभी बताए थे इनबोर्न एबिलिटी भी होता है, एक्वायर्ड एबिलिटी भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। 36 नंबर पे प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ये हम आपको रट्टा मारने बोले थे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार होता है। 37 नंबर पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम करोगे तो वर्किंग आवर कम हो जाएगा, आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, यानी कम अंक हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो 38 नंबर, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बर्न इन, हमको पता है फ्रांस में हुआ था। 39 नंबर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुति करता थे, द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर भी हेनरी फ्योल ही थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलो या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक ही चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोल रहा है, प्रबंध का कर्मचारियों का सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन फंक्शन टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को इंसेंटिव देने का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन से ही वो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बेझिझक हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट करके बता देना। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हर चीज के लिए थोड़ा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपने से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि इन द सेंस आप भी थोड़ा सा सोचो कि समय कम है, हमसे जितना होगा हम उतना वीडियो तो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन साथ साथ अपने भी आप लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन जरूर करके रखोगे, ठीक है।